भुट्टो ने घोटकी हादसे की मुतासरा नन्नी कायनात की फरियाद सुन ली। सिंध हुकूमत ने बच्ची को इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कायनात वजीर आजम से इलाज कराने की अपील की थी। रवामा सुबह सिंध के जिला घोटकी में पेश आया दिल खराश ट्रेन हादसा अलमो मसाइब की नाकाबले फरामोश दास्तान छोड़ गया। हादसे में दर्जनों अफराद मौत की आगोश में चले गए जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। जख्मियों में कराची की 12 साल की कायनात भी शामिल है जो भाई की शादी के लिए टोबा टैक्सिंग जाते हुए हादसे का शिकार हो गई। ये सानेहा कायनात के लिए क्यामत से कम न था जिसमें वो अपनी कुल कायनात वालदैन और भाई समेत खानदान के 5 अफराद से ही नहीं अपनी दोनों टांगों से भी महरूम हो गई। हम लोग कराची से जा रहे थे टोबा टैक्सिंग, मेरे भाई की शादी थी, 9 बंदे थे जिसमें से 5 के इंतकाल हो गया, बाकी 4 अभी हैं जो कि 3 घर चले गए, वरना अभी एक मैं ही हूँ। अपनों को खोने के गम और जख्मों से चूर कायनात ने वजीर आजम से इलाज कराने की अपील की है। मेरी बस ये गुजारिश है हुकूमत से कि मुझे ना मेरा इलाज करवा दे, मैं अपने घर चले जाऊँ खैर करियत से और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, अपने पैरों पे चलूँ। कायनात की अपील ने तमाम दर्दमंद अफराद को रुला दिया। नन्ही बच्ची की जज्बाती वीडियो वायरल हुई तो वजीर आजम से पहले बिलावल भुट्टो ने नोटिस ले लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कायनात के इलाज मुआलजे के खसूसी इंतजाम की हिदायत की जिसके बाद बच्ची को कराची के आगा खान अस्पताल में दाखिल करा दिया गया जहाँ उसका इलाज जारी है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।